रही है। मलकागंज में बड़ा हादसा हुआ है, बारिश की वजह से जो सड़क है वो धस गई है और सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा बना हुआ है। सड़क पर हुए गड्ढे में गाड़ियां भी गिरी है। आपको बता दें कि जबरदस्त बारिश से जो हालात है वो बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां पर मलकागंज में ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बारिश की वजह से जो सड़कें हैं वो धस गई हैं और सड़क पर कई फीट गहरा जो है वो गड्ढा बना हुआ है। आप देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सड़क पर हुए गड्ढे में एक गाड़ी कैसे गिरी है वो भी आप देख पा रहे हैं। जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो दिल्ली के मलकागंज की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कें जो है वो धस जा रही हैं और एक गाड़ी देखिए कैसे बारिश की वजह से गड्ढे में ही जो है वो धस गई है। तो अब लगातार बारिश हो रही है, लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है और कई तरीके की ऐसी तस्वीरें जहां पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है और सड़क पर कई फीट गहरा जो है वो गड्ढा बन गया और इसी कारण जो है गाड़ी जो है इस गड्ढे में गिर गई है। जबरदस्त बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आप देखिए ये जो हम आपको कार दिखा रहे हैं वही जो है धस गई है। जैसे ही सड़क धसी तो ये कार जो है उसमें गिर गई। आसपास लोग भी आपको नजर आ रहे हैं, कुछ लोग इस घटना की वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों को जो है ट्रैफिक की भी समस्या देखने को मिल रही है, कई लोग जो है अब जो जाम में फंसते हुए दिख रहे हैं। तो ये दिल्ली के मलकागंज की तस्वीर, जहाँ पर एक गाड़ी आप देख पा रहे हैं वो सड़क में धस गई। और दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम और सभी तैयारियों की पोल खोल करके रख दी है। दिल्ली के मिंटो रोड अंडरपास में जल भराव हुआ है और पानी इतना ज्यादा जमा हो गया कि एक कंटेनर पूरा डूब गया है। जल भराव होने के चलते मिंटो ब्रिज को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। वही जल भराव के कारण जगह जगह लोग ट्रैफिक जाम से परेशान हो रहे हैं। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए कैसे ये कार जो है वो यहाँ पर फंस गई है और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि आवाजाही बंद कर दी गई है, तो कैसे लोग जो है वो अब समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर स्क्रीन पर है, मिंटो रोड अंडरपास की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश ने जो है अब सारे पोल खोल दिए हैं क्योंकि नगर निगम की तरफ से जो है लगातार ये कहा जा रहा था कि पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन स्थिति वैसे ही बनी हुई है। ये पहली बार ऐसा नहीं है, हर बार ऐसे ही होता है। जब भी बारिश होती है तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनीत, बारिश हो रही है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है, कुछ तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, कुछ कार है जो कि पानी में फंसी हुई नजर आ रही है, कई जगहों पर जो है आवाजाही बंद हो गई है, ट्रैफिक की समस्या लोगों को देखना पड़ रहा है। अभी फिलहाल आप कहाँ पर है वहां की भी जरा तस्वीर दिखाइए और बताइए अभी क्या वहां पर मौसम है। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं रायसीना में हिल में जो रोड है रायसीना रोड है वहां पर हूं और यहां से सीधे जो है वो संसद की ओर सड़क जो है वो जाती है। ये जो सड़क जो है जहां पे खत्म हो जाती है वहीं पर संसद भवन जो है वो है, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि भारी जल जमाव जो है यहां पर भी देखने को मिल रहा है। सड़क के किनारे जो है वो आप देख सकते हैं कि जल जमाव की समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है। लोग इससे परेशान है। हालांकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम की उतनी स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जिस तरह का जल जमाव है, पूरी तरह से सड़क जो है वो डूबी हुई है। यहाँ पर थोड़ी देर में इससे थोड़ी देर आगे जो है कांग्रेस यूथ कांग्रेस का ऑफिस है वो पूरी तरह से, उसके सामने की सड़क जो है वो पूरी तरह से डूबी हुई है। साथ ही साथ यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही संसद भवन है और संसद भवन के सामने की सड़क जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह का हाल जो है वो है। दिल्ली में पहली मानसून की बारिश होती है और उसके बाद दिल्ली में जिस तरह के पानी की बात करें, हम जल जमाव की बात करें, हालांकि अगर हम बारिश की बात करें तो इतनी भी बारिश नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह का ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली का बना हुआ है उसके कारण जो है पूरी तरह से दिल्ली में जो है विभिन्न जगहों पर जल जमाव है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी लुटियंस जोन के ही में ही हमने कई ऐसे बंगले देखे हैं जो सांसदों के बंगले हैं, मंत्रियों के बंगले हैं। एक बड़ी रोचक तस्वीर जो है वो सामने आई जिसमें रामगोपाल यादव को उनके घर से
गोद में उठा करके ले जाया गया और गाड़ी में बिठाया गया। तो काफी जो है दिल्ली में ही नहीं, न सिर्फ आम लोग यहाँ पर जो है, दिल्ली के आम लोग ही नहीं परेशान है बल्कि खास लोग भी परेशान है। और जल जमाव के कारण हो या बारिश के कारण हो, ड्रेनेज सिस्टम जिस तरह से बेकार पड़ा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि कई जगह जो है वो ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है और इसके कारण जो है जल जमाव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल विनीत, आम और खास दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कैसे जो है लोग ट्रैफिक में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। विनीत, जिस हिसाब से लगातार लोगों को परेशानियां होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये पहली बार ऐसी तस्वीर नहीं आई है, हर बार जब मॉनसून आता है बारिश होती है तो ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। और नगर निगम के सारे पोल सारे दावे यहां पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं, कहा जा रहा था कि पूरी तैयारी कर ली गई है लेकिन अब सब कुछ तस्वीर ही बयां कर रही है। जी निश्चित तौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली में जिस तरह से अगर हम पिछली बार की स्थिति को देखें, पिछली बार तक ये कहा जाता था कि वह जो वह जल जमाव की स्थिति है या जल भराव की स्थिति है वह जो है वो एक कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार हो या फिर एमसीडी हो, एक दूसरे पर दोषारोपण जो है वो करती थी। लेकिन अगर इस बारे में बात करें तो इस बार भी बिल्कुल आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि कैसे जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, वाहन भी रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, सबको काफी परेशानी हो रही है। शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आपको तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखाते हैं जहां से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि भारी बारिश से दिल्ली में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आज तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आप इससे हालात समझिए। दिल्ली के कई पॉश इलाके जो है पानी पानी हो गए हैं। हम आपको संसद भवन, कनॉट प्लेस, केंद्रीय सचिवालय, रायसीना रोड, शास्त्री भवन, उद्योग भवन और नेशनल मीडिया सेंटर, राजेंद्र प्रसाद रोड, दिल्ली की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है, हर जगह पर जो है जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, कई जगहों पर ट्रैफिक से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और वाहन भी रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली है जहां पर जो है वाहन पानी में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में बारिश की वजह से कैसे हालात बिगड़े हुए हैं, वो तस्वीर देखिए। और भी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। अब आपको ये छह तस्वीर दिखा रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट, मिंटो रोड, कनॉट प्लेस और तीन मूर्ति मार्ग, एनएमसी, शांति पथ की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। यहां पर भी वही हालात है। दिल्ली एयरपोर्ट की पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर एक टर्मिनल का हिस्सा ही जो है नीचे गिर गया। मिंटो रोड की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए कि कैसे एक जो कार है वो पानी में फंसी हुई नजर आ रही है। कनॉट प्लेस की तस्वीर, वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तीन मूर्ति मार्ग की ये तस्वीर है जहां पर देखिए कि पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि लोग यहां पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। एनएमसी रोड की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, दोनों ही तरफ जो है वो जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। शांति पथ की ये तस्वीर है, आप देखिए कि कैसे यहाँ पर वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, धीरे धीरे जो वाहन है वो आगे बढ़ रहा है, कई जगहों पर ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिल रही है, कई जगहों पर तो आवाजाही बंद कर दी गई है जिससे अब आम जनता को भी परेशानी हो रही है और खास लोग भी जो है इसमें परेशान होते हुए नजर आ रहे थे। ये पहली ऐसी तस्वीर नहीं है, देखिए जब भी मॉनसून दिल्ली में आता है बारिश होती है तो इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है।